नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 मई, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने जारी की भर्ती अधिसूचना। बिहार के 13 जिलों में सड़कों का होगा चौड़ीकरण। बिना वोटर कार्ड के भी बिहार पंचायत उपचुनाव में दे सकेंगे वोट। इन जिलों में शिक्षकों के पद पर उत्क्रमित विद्यालयों में है सबसे अधिक रिक्तियां। आज कोलकाता और पंजाब के बीच करो या मरो का मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने जारी की भर्ती अधिसूचना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा लेखपाल, गार्डनर, सालक आदि के कुल 147 पदों के लिए भर्ती रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप केवल 10वीं पास भी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट BAUSABOUR.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 मई 2023 तक निर्धारित की गई है। राज्य के सभी हिस्सों में होगा पानी का कृषि। बहुत जल्दी राज्य के सभी हिस्सों में बुडको द्वारा एसटीपी का निर्माण किया जाना है ताकि तरल अपशिष्ट को ट्रीटमेंट करके उससे निकलने वाले पानी का इस्तेमाल कृषि एवं अन्य संभव कार्यों में किया जा सके। बता दें कि बुडको के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में 841.6 MLD क्षमता का एसटीपी की जरूरत है, जिसमें से 234.5 MLD क्षमता के 8 एसटीपी का निर्माण किया जा चुका है, तो वहीं 477.5 MLD क्षमता के एसडीपी का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही 373.3 MLD क्षमता के एसटीपी ऐसे हैं जिनके निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार करके एनएमसीजी के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मालूम हो कि जिन स्थानों पर एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है उनमें पटना, छपरा, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया, कटिहार, आरा, बेतिया और गया शामिल है। इसके साथ ही बेगूसराय, मुंगेर, हाजीपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में एसटीपी का निर्माण कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा होने वाला है। बिहारी बोथड़े में आज हम बात करेंगे रमेश चंद्र झा के बारे में। रमेश चंद्र झा का जन्म आज ही के दिन 1928 में हुआ था। यह भारतीय स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय क्रांतिकारी थे जिन्होंने बाद में साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। वे बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ हिंदी, मैथिली के कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। उनकी कविताओं, कहानियों और गजलों में जहां एक तरफ देशभक्ति और राष्ट्रीयता का स्वर है, वहीं दूसरी तरफ मानव मूल्यों और जीवन के संघर्षों की भी अभिव्यक्ति है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे हिंदी, भोजपुरी और मैथिली की प्रायः सभी विधाओं पर लगातार लिखते रहे। 15 अगस्त 1972 को भारतीय स्वाधीनता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए इंदिरा गांधी ने ताम्र पत्र से सम्मानित किया। 2 अक्टूबर 1993 को रानीगंज, पश्चिम बंगाल में आयोजित अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन में उन्हें डॉक्टर उदय नारायण तिवारी सम्मान से सम्मानित किया गया। 4 मार्च 2016 को वरिष्ठ पत्रकार और स्टार न्यूज के राजनीतिक सलाहकार अरविंद मोहन द्वारा प्रसिद्ध साहित्यकार एवं वर्धा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति विभूति नारायण राय को रमेश चंद्र झा स्मृति सम्मान से पुरस्कृत किया गया। इन जिलों में शिक्षकों के पद पर उत्क्रमित विद्यालयों में है सबसे अधिक रिक्तियां। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, गया, पटना, मधुबनी और सिवान के जिलों में उत्क्रमित विद्यालयों के लिए सबसे अधिक शिक्षक पद पर रिक्तियां हैं। अभी बताए गए सभी विषय में पूर्वी चंपारण में लगभग 298 रिक्तियों की सूचना मिली है। यदि बात मुजफ्फरपुर की करें तो यहां लगभग 262, गया जिले में 213, पटना में कुल 193, दरभंगा में 121, मधुबनी में भी शिक्षकों के पद पर कुल 271 रिक्तियों की सूचना सामने आई है। राज्य की सभी रेंज और जिलों में बनेगी विधि विज्ञान प्रयोगशाला। राज्य में हो रहे आपराधिक घटनाओं को वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने के लिए राज्य के सभी रेंज और जिलों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया जा रहा है। बता दें कि वर्तमान में यह प्रयोगशाला 3 रेंज में मौजूद है जिनमें पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर शामिल है। वहीं बहुत जल्द ही अब इन 3 रेंज के अलावा 9 और रेंज में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की इकाई तैयार की जाने वाली है। बता दें कि जिन 9 रेंज में यह इकाई तैयार की जाने वाली है उनमें गया, शाहबाद, सारण, चंपारण, मिथिला, पूर्णिया, कोसी, मुंगेर और बेगूसराय शामिल है। मालूम हो कि इसके लिए 105 करोड़ रुपए की राशि जारी भी कर दी गई है। वहीं आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में इसके तैयार हो जाने की संभावना जताई गई है।
बिहार में सड़क दुर्घटना की वजह और उससे होने वाले मौत की जारी हुई रिपोर्ट। सड़क दुर्घटनाओं की वजह और उससे होने वाले मौत के कारणों का अध्ययन रिपोर्ट अभी हाल में ही बिहार में जारी हुआ है। बता दें कि सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक पिछले ही दिनों इस विषय पर गहन मंथन के लिए की गई थी। इस बैठक के बाद ही रिपोर्ट को जारी किया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार कुल 2284 लोगों की जान वर्ष 2021 में सड़क हादसे की वजह से हुई है। वहीं वर्ष 2022 में कुल 4928 लोगों ने अपनी जान सड़क हादसे में गंवाई है। यदि इन आंकड़ों की तुलना करें तो हमें पता चलेगा कि पिछले साल की तुलना में सड़क हादसे में लगभग 115% तक की बढ़ोतरी हुई है। सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना और गाड़ी को गलत दिशा में चलाना है। इस दिन तक बाजार में आ सकता है शाही लीची। अगर आप भी शाही लीची के इंतजार में बैठे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि अब बाजार में शाही लीची के आने के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। दरअसल बागानों में लीची में लाली आनी शुरू हो गई है और साथ ही पेड़ में काफी मात्रा में फल भी लग चुके हैं। मालूम हो कि मिली जानकारी के अनुसार शाही लीची की पहली खेप बाजार में 20 मई तक आ सकती है। वहीं शाही लीची के किसानों के लिए राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत बताया गया है कि फल टूटने से 15 दिन पहले लीची पर दवा का छिड़काव बेहद जरूरी है, ताकि लोगों को फल छेदक कीटों से बड़ा नुकसान न हो सके। इसके साथ ही किसानों को यह भी बताया गया है कि लीची को सुबह और शाम के वक्त तापमान कम होने पर तोड़ा जाए, क्योंकि लीची को तोड़ने के लिए तापमान बहुत मायने रखता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची न केवल बिहार और देश बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही मशहूर है। इसके स्वाद को चखने के लिए लोगों में काफी उत्साह भरा होता है। बिहार की बेटी श्रेयसी पहुंची मिसेज इंडिया लीगेसी के फाइनल में। डायडम मिसेज लीगेसी का फिनाले 23 मई को गुड़गांव में होने वाला है। इस फिनाले में भाग लेने के लिए पटना की बेटी श्रेयसी चंद्रा भी तैयार हो चुकी हैं। प्रतिष्ठित मिसेज इंडिया के खिताब पर पटना के इस बेटी की निगाहें हैं। श्रेयसी का लक्ष्य है कि वे इस खिताब को जीते, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। बता दें कि श्रेयसी का जन्म बिहार के पटना में ही हुआ है। इनके पिता का नाम रमेश चंद्र सिंह है, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक पूर्व प्रोफेसर और पटना विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के प्रमुख है। श्रेयसी का मानना है कि सुंदरता केवल चेहरे से नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदार और दूसरे के प्रति दयालु होना भी सुंदरता है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे गंडक बैराज के बारे में। गंडक बैराज पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में स्थित एक मुख्य पर्यटन स्थल है। गंडक बैराज को वाल्मीकि बैराज के नाम से भी जाना जाता है। यह बैराज गंडक नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर आप घूमने के लिए आ सकते हैं। यह बैराज भारत और नेपाल की सीमा पर बना हुआ है। यहाँ का नजारा सुंदर रहता है। बैराज के किनारे घूमने के लिए एक गलियारा बना हुआ है, जहाँ पर आप घूम सकते हैं और नदी जंगल पहाड़ों का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। नदी में आपको मछलियाँ कछुए घड़ियाल देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आकर आप अपना बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। यहाँ पर आप नौकायान का भी मजा ले सकते हैं। यह पश्चिमी चंपारण का मुख्य आकर्षण स्थल है। बिहार के 13 जिलों में सड़कों का होगा चौड़ीकरण। एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से मिलने वाले ऋण के रूप में आर्थिक मदद से बिहार के 13 जिलों में बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड की देखरेख में सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। बता दें कि इसके तहत इन 13 जिलों में करीब 430 किलोमीटर लंबाई में 9 SH की चौड़ाई को बढ़ाकर 5 मीटर से 7 मीटर किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 13 जिलों में सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है उनमें सुपौल, अररिया, सारण, सिवान, बक्सर, नवादा, गया, भोजपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, बांका, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिला शामिल है। बता दें कि सरकार के द्वारा इन सभी जिलों के सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल इनके लिए विभिन्न स्तरों पर मंजूरी का इंतजार है। वॉलीबॉल इंडिया कैंप को लेकर बिहार के 3 खिलाड़ियों का हुआ चयन। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक पत्र जारी कर यह जानकारी दी गई है कि 7 से 17 जुलाई तक बहरीन के मनामा में HIV ई वॉलीबॉल पुरुष अंडर 21 विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है, जिसमें भाग लेने के लिए भारतीय टीम भी जा रही है। बता दें कि इस भारतीय टीम में 3 युवा बिहार राज्य के भी शामिल है। मालूम हो कि हम जिन 3 युवा खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वह अनुज कुमार सिंह, सुशांत कुमार व राजीव रंजन सिंह है, जिन्हें 9 मई को रिपोर्ट करने को कहा गया है। बता दें कि इन खिलाड़ियों के चयन को लेकर जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन संक्रमण के द्वारा दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार अब खेलों में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका आने वाला समय में और भी बेहतर परिणाम नजर आने वाला है। पूर्व DGP ने ग्रहण की राजद की सदस्यता। खबर आई है कि राजद की सदस्यता पूर्व DGP करुणा सागर द्वारा ग्रहण की गई है। बता दें कि उन्होंने यह सदस्यता तेजस्वी यादव की उपस्थिति में ग्रहण की। मालूम हो कि करुणा सागर तमिलनाडु में DGP के पद पर कार्यरत थे, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने आ रहे हैं। करुणा सागर ने यह सदस्यता तब ग्रहण की है जब लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में करुणा सागर का राजद में सदस्यता ग्रहण करना राजद के लिए अच्छा माना जा रहा है। इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने भी खुशी जताई है और कहा है कि करुणा सागर के पार्टी ज्वाइन करने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी।
बिहार में अगले दो दिनों तक ऐसा रहेगा मौसम का हाल। बिहार का मौसम एक बार फिर करवट ले चुका है। इस बार बिहार में फिर से लू चलने के आसार भी बन रहे हैं। तापमान में इजाफे के साथ गर्मी ने फिर से एंट्री मार ली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले दो दिन आंधी पानी के कोई आसार नहीं है। इस दौरान आसमान भी साफ रहेगा। इसकी वजह से पारे में इजाफा होने के आसार भी जताए गए हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, देश के कुछ हिस्सों में कम दबाव के बने केंद्रों और देश के पश्चिमोत्तर सीमा के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बिहार के अभी अप्रभावित रहने की संभावना है। हालांकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार अगले 6 से 7 दिनों में मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। पुरवैया हवा का असर आने के बाद तापमान में फिर कुछ कमी के आसार हो सकते हैं। बिना वोटर कार्ड के भी बिहार पंचायत उपचुनाव में दे सकेंगे वोट। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है और आपको चिंता हो रही है कि बिहार पंचायत उपचुनाव में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट नहीं दे पाएंगे तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि इस बार मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान के लिए प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निर्वाचक फोटो, पहचान पत्र नहीं है या नहीं बन पाए हैं तो वह मतदान तिथि को पीठासीन पदाधिकारियों के समक्ष 16 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं और उसकी मदद से वह मतदान कर सकते हैं। बता दें कि हम जिन 16 दस्तावेजों की बात कर रहे हैं उनमें आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय योजना अंतर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा के अधीन फोटोयुक्त जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अंतर्गत भारत के महापंचायत द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सांसदों, विधायकों व पार्षदों को जारी किए गए अधिकारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शारीरिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त सशस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज व मान्यता प्राप्त सैनिक संस्थान द्वारा जारी शिक्षक, कर्मी व विद्यार्थी का फोटोयुक्त पहचान पत्र इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इन सभी दस्तावेजों की फोटो मतदान के दौरान कॉपी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। पटना बेउर जेल के कैदियों में मचा हड़कंप। बीते दिन रविवार को पटना बेउर जेल में प्रशासन की ओर से अचानक छापेमारी की गई। बता दें कि छापेमारी से कैदियों के बीच हड़कंप समझ गया। वहीं प्रशासन के द्वारा की गई छापेमारी के दौरान जेल के विभिन्न वार्डों से उन्हें 7 मोबाइल, 2 सिम, 3 चार्जर, 2 डाटा केबल, 2 चाकू और 2 हीटर समेत कई अन्य सामान बरामद हुए। वहीं इस दौरान जेल के वार्डन और इंचार्ज सहित 3 कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। साथ ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट को सो कॉज नोटिस थमाया गया है। मालूम हो कि बीते दिन हुए छापेमारी से जेल के अंदर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था। शिक्षक नियमावली के विरोध में 20 मई को प्रमंडल मुख्यालयों पर धरना। जब से बिहार में नई शिक्षक नियमावली पर कैबिनेट की ओर से मुहर लगाई गई है तब से लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा नई नियमावली और बिहार सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। बता दें कि इसी को लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के द्वारा सभी प्रमंडल और जिला सचिवों तथा राज्य कार्यकारिणी सदस्यों को यह निर्देश दिया गया है कि आने वाले 20 मई को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालयों पर धरना का आयोजन करने के लिए जल्द से जल्द बैठक आयोजित कर राज्य मुख्यालय को सूचित करे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि 22 मई से सभी जिला मुख्यालयों पर भी दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक धरना देने की कार्य योजना तैयार की जाए। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश को दी चुनौती। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्षी एकता की पहल कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी चुनौती दी है। चुनौती देते हुए सम्राट चौधरी द्वारा कहा गया है कि यदि विपक्ष ने हिम्मत है तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार को घोषित करे। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से नीतीश कुमार की होने वाली मुलाकात पर कटाक्ष करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि यह मुलाकात बस टाइम पास के लिए होने वाली है। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को नवीन पटनायक से सीख लेनी चाहिए कि कैसे उन्होंने उड़ीसा में काम किया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में जनता ही उन्हें सबक सिखा देगी। कांग्रेस नेता ने बिहार में नई शिक्षक नियमावली को बताया अनुचित। बिहार में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर विरोध जारी है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस नेता भी उतर गए हैं जो इस नए नियम का विरोध कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि कई वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री से अनुरोध भी करेंगे कि जिन शिक्षकों ने इतने लंबे समय से पढ़ाया है उनके समायोजन पर भी थोड़ा विचार किया जाए। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस नियमावली को अनुचित भी बताया है। जातीय जनगणना पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। बिहार के राजनीतिक गलियारों में जातीय जनगणना को लेकर बयानबाजी जारी है। इसी कड़ी में बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा जातीय जनगणना को लेकर अपना बयान देते हुए कहा गया है कि सरकार को जो काम करना था वह कर रही है। फिलहाल जातीय जनगणना का मामला कोर्ट में चल रहा है जिसकी सुनवाई कोर्ट के द्वारा 9 मई को की जाएगी और उसके बाद ही कोर्ट के दिए गए फैसले के अनुसार ही कुछ तय किया जा सकेगा। वहीं कोर्ट की ओर से जो भी सवाल किए जा रहे हैं उसका जवाब सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इसको लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आगे
भी अपना प्रयास जारी रखेंगे। जातीय गणना पर याचिका दायर करने वाले को जदयू प्रवक्ता ने बताया बीजेपी एजेंट। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर पटना हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया है। अब इस मामले को लेकर सियासी घमासान जारी है। अब इसी बीच जदयू के एक नेता ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। दरअसल पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाते हुए जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा कहा गया है कि जातीय जनगणना के खिलाफ भाजपा के सह पर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिका दायर करने वाले अप्रोक्ष रूप से बीजेपी का राजनीतिक एजेंट है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट द्वारा बिहार में जातीय गणना पर रोक बिहार सरकार की नाकामी है। हाईकोर्ट के सामने राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया, जिस वजह से हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई। पूर्व आईएएस अफसरों का प्रशांत किशोर को मिला साथ। अब पूर्व अफसरों का समर्थन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और जनसुराज को मिलते दिख रहे हैं। अभी हाल में ही खबर आई थी कि जनसुराज में 6 रिटायर्ड आईएएस अफसर शामिल हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से यह खबर सामने आई है कि 12 और रिटायर्ड आईपीएस अफसरों ने जनसुराज में सदस्यता ग्रहण की है। ये अफसर केवल बिहार ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी कार्यरत है, लेकिन अब प्रशांत किशोर के साथ मिलकर वे समाज में अपनी सेवा देना चाहते हैं। बता दें कि जनसुराज की सदस्यता ग्रहण करने वाले आईएएस अधिकारियों में कुछ आईजी स्तर के भी है, कुछ डीआईजी स्तर के तो कुछ डीजी स्तर के। आज कोलकाता और पंजाब के बीच करो या मरो का मुकाबला। आईपीएल 2023 के 16वें सीजन के 53वें मैच में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स आपस में मैच खेलने वाले हैं। बता दें कि आज का यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला जाएगा। आज के मैच में एक तरफ जहां कोलकाता की टीम प्लेऑफ में पहुंचने की कोशिश करेगी, तो वहीं पंजाब किंग्स भी जीत की पटरी पर वापस लौटने की कोशिश करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक इन दोनों टीमों के बीच कुल 10 मैच खेले गए हैं, जिनमें से पंजाब की टीम ने 6 बार जीत अपने नाम किया है, तो वहीं 4 बार कोलकाता को जीत मिली है। मालूम हो कि सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच हुए पहले मैच में पंजाब की टीम केकेआर की टीम पर भारी पड़ी थी और बारिश से प्रभावित मैच केकेआर पीछे रह गई थी। ऐसे में केकेआर आज अपने होम ग्राउंड पर हार का हिसाब चुकता करने भी मैदान पर उतरेगी। बता दें कि आज का यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाने वाला है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। महात्मा गांधी ने 21 ब्रिटिश शासन के खिलाफ 21 दिन का फास्ट 1933 में रखा। केंद्र सरकार ने चंद्रनगर को 1954 में पश्चिम बंगाल राज्य में शामिल किया। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की 1962 में स्थापना हुई। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी का 1963 में शताब्दी समारोह बनाया गया। भारतीय मूल के 69 वर्षीय लॉर्ड स्वराजपाल 2000 में ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हुए। भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक तथा वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान स्वामी चिन्मयानंद का जन्म 1916 में हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार तपन राय चौधरी का जन्म 1926 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 1929 में हुआ। भारत के स्वतंत्रता सेनानी अमीर चंद का निधन 1915 में हुआ। बंगाल का नवाब मीर कासिम का निधन 1777 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का निधन 1993 में हुआ। वालखंड में आज हम बात करेंगे फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि देश की महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना 2023 के तहत महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन उपलब्ध करवाया जा रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही, यह ठगी का एक प्रयास है, कृपया सावधान रहें। व्हाट्सएप में जल्द आएगा ये नया फीचर। व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo के मुताबिक व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जो टैबलेट यूजर्स को चैट सेटिंग के अंदर साइड बाय साइड व्यू के नाम से दिखेगा। यूजर्स इस फीचर को मैन्युअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। दरअसल कई लोगों को व्हाट्सएप का साइड बाय साइड अपडेट पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वे लंबे समय से व्हाट्सएप का पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, जिसमें व्हाट्सएप खोलने पर पूरी स्क्रीन पर चैट लिस्ट दिखाई देती है। नए अपडेट के बाद लेफ्ट साइड में चैट लिस्ट और राइट साइड में चैट विंडो ओपन होती है और यूजर एक ही समय पर दो चीजें कर पाता है। कुछ लोगों को प्राइवेसी के चलते भी ये फीचर पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि जब वे सबके बीच बैठे होते हैं तो साइड बाय साइड व्यू में चीजें दिखने लगती हैं, लेकिन जल्द व्हाट्सएप टैबलेट यूजर्स को साइड बाय साइड व्यू को मैन्युअली ऑन ऑफ करने का ऑप्शन देने वाला है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, रमन कुमार, रंजीत मिश्रा, विनोद कुमार मांझी, प्रीति, शंकर मुखिया, मोहम्मद सकीर हुसैन, रवि कुमार राम, उमेश ऋषिदेव, अक्षय सत्यार्थ, गौतम कुमार, ऋषि कुमार, राजीव कुमार, पीके पासवान, नितेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में इस बार आम और लीची की पैदावार कैसी हुई है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।